न्यू ब्लॉग दोस्तों, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ खाटू श्याम के बारे में। और मैंने मतलब यहाँ आने से पहले बहुत से लोगों से ऐसे सुना हुआ था कि खाटू श्याम की बहुत बड़ी मान्यता है और जो भी वहाँ जाकर जो भी मन्नत मांगता है वो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो आज मैं इधर हरियाणा में एक छोटा सा गाँव है चुनकाना करके, इधर पानीपत के पास में है, तो वहाँ पर बाबा जी का धाम है, ठीक है। और इस धाम ने इतनी मतलब प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है कि यहाँ लोग बहुत दूर दूर से यहाँ लोग इसको देखने आते हैं और यहाँ मन्नत मांगते हैं, ठीक है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ यहाँ के दिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ आ सकते हो और अंदर का नज़ारा कैसा रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या आपको अंदर आगे करना है कि आपकी भी मन्नत पूरी हो। शुभ नाम क्या है भैया? ऋतिक जी। और यहाँ से प्रसाद लेते क्या यहाँ पर? ये प्रसाद फ्रेश मिलता है? यस जी, यस जी, यस सब बनाते हैं करके, आपके बनाए हुए पेड़े हैं, ठीक है, चेक करके ले करो जी, ठीक है। प्रसाद लेके जाओ, जो भी बाबा की श्रद्धा है प्रसाद ही होता है, क्योंकि अंदर तो वैसे जाने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि प्रसाद ही एक ऐसी चीज है भगवान के दर पे आप चढ़ाओगे, वहाँ चढ़ा के आप मन्नत मांगोगे। मंदिर में अंदर जाने से पहले इस भाई से प्रसाद लेके जरूर जाएं, क्योंकि ये भाई यहाँ पर साफ सुथरा और ऑर्गेनिक प्रसाद देता है, घर के बने दूध का मिलता है यहाँ पर प्रसाद। भाई हम इस भाई से मिलवाते हैं आप, भाई आपका नितिन है भाई जी। तो भाई ये प्रसाद जो यहाँ बेच रहे हो ये साफ सुथरा फ्रेश है? बिल्कुल, अपना हलवाई की दुकान अपनी जी, अपना खुद का बनाते हैं अंदर, ठीक है। तो भाई यहाँ से बिल्कुल खरीदे, भाई का नाम नितिन है और भाई चुलकाना गांव से ही है, ठीक है। तो क्योंकि आप अगर अंदर जाकर प्रसाद लोगे वहाँ भीड़ बहुत सारी है, तो वहाँ पर क्या आपके पैसे वैसे गिरने का या मोबाइल गिरने का या फिर वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे, तो उससे अंदर जाने से पहले यहाँ से आप प्रसाद लेंगे। भीड़ ना आप देख सकते हो भीड़ कितनी है इधर, ठीक है, देख सकते हो बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और मैं भी यहाँ पे लीवार आया हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसा सुना था कि वहाँ जाने से मनोकामना पूरी हो जाती है, तो मैं भी यहाँ जाके अंदर कुछ मनोकामना मांग के देखूंगा कि क्या मेरी भी जाने से मनोकामना पूरी हो सकती है, क्योंकि जैसे उनको बोला जाता है कि वो शीश के दानी है, ठीक है। तो आज मैं भी उनसे कुछ यहाँ मांग के देखूंगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर फाइनली मंदिर में, जहाँ से लाइन में लग के अंदर एंट्री होगी। अंदर आप बिल्कुल भी जूते वगैरह ना डाल के जाएं, अगर आप द्वार से अंदर आगे जूते डाल के, तो यहाँ पर ये जूतों के लिए स्पेशल यहाँ बना रखा है, अगर आप वहाँ पे जाओगे अंदर जाके आपकी एंट्री नहीं होगी, और वहाँ पे आपको कोई भी बोल सकता है अंदर जाके, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। आप खुद समझदार हो, मंदिर में बिल्कुल भी जूते वगैरह नहीं डाल के जाया जाता। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ बिल्कुल मंदिर है, और वहाँ पर जो वो पीपल का पेड़ है जिसको खाटू श्याम जी ने अपने एक ही बाण में सारे उसके पत्ते छेद छेद कर दिए थे, और दिखाऊंगा कि वहाँ कैसे लोग धागा बांध कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। लाइनें लगी हुई है, कोई भी लाइन का उल्लंघन ना करे, क्योंकि अगर आप लाइन से उल्लंघन करके जाते हो तो आपको बिल्कुल छूटना पड़ेगा। और जैसा कि आप समझ सकते हो कि दरबार में भगवान से आप मिलने आए हो, तो पेशेंस एक ऐसी चीज है जो सबसे बढ़िया है, क्योंकि लाइन से आप लग के जाओगे पेशेंस होता है, अगर यहाँ भी आके भीड़ में धक्का मुक्की करोगे तो ये एक श्रद्धालु के लक्षण नहीं होते बिल्कुल भी। तो प्यार से जाइए, लाइन में लगिए, दर्शन करने के लिए आए हो, दर्शन करके ही जाना। ये इधर से अंदर लाइन उससे जाने का रास्ता है, उधर से आप जाके अंदर लाइन में मंदिर है, अंदर जाके फिर आप उस साइड से ही निकलना होगा अंदर। ये वही पेड़ है दोस्तों जिसको बरबरीक ने अपने एक ही बाण से सारे पत्तों को इसके छेद छेद कर दिया था, और श्री कृष्ण जी का चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट करके उनको दिखा दिया था कि वो भी बहुत कुछ कर सकता है महाभारत के युद्ध में। आइए मैं आपको वही पेड़ दिखाने वाला हूँ जिसके ऊपर धागा बांधने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है, जो भी यहाँ धागा बांध के जाते हैं उससे उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, और ऐसा मैंने सुना है। और मैं आपको ऐसे ऐसे एक भाई से, एक दर्शक से, एक श्रद्धालु से मिलाऊंगा कि जिसने यहाँ पर धागा बांधा, और वो बोल रहा है उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी आज के दिन, क्योंकि आज के दिन जैसा आप भारत में आप देख सकते हो गवर्नमेंट जॉब के नाम पे बहुत सारे लोगों के पैसे मार लिए जाते हैं या फिर उनको बेवकूफ बनाया जाता है। तो वैसे ही एक भगत से मिलेंगे जिसने इसी पेड़ के ऊपर धागा बांधा था और उसको गवर्नमेंट जॉब मिली, वो भी रेलवे के अंदर, जो आज के दिन भारत का एक मुख्य वो बना हुआ है। तो आइए दोस्तों, पीपल के पेड़ पर धागा बांधने के बाद अगर आप यहाँ आकर जोत नहीं लगाते हो तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ जाएगी और उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ मेरे साथ से। और यहाँ पर जैसे ये इन्होंने लोहे की इस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर भी जोत लगाएं, तो ये मंदिर इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर भी आपको जोत लगानी पड़ेगी तभी आपकी पूजा सफल होगी। चलिए आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पर
अगर आप मान लो एक दिन पहले आते हो या फिर आपको इधर रुकने का है तो यहाँ पर इन्होंने कमरों की भी रूम की भी फैसिलिटी की सुविधा करवा रखी है, ठीक है। तो आपको इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा और अपना आईडी कार्ड हमेशा यहाँ साथ लेकर जरूर आए। अगर आप बाहर से हो, अगर आप लोकल हो तो आपको यहाँ आईडी कार्ड लेकर आने की कोई वैसी जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर वो हवन कुंड दिखाऊंगा जहाँ पर खाटू श्याम जी का और उनके दादा का झगड़ा हुआ था और जो भीम बोलते हैं। और यहाँ पर ये बिल्कुल भी ना करें अगर आप पहली बार आए हो, क्योंकि यहाँ देखो कुछ लोगों ने यहाँ अपनी गंदी जुराबें फेंक रखी है। और ये देखो, क्योंकि अगर आप मंदिर में आते हो तो ये बहुत ही गलत है अगर आप ऐसा करते हो तो, क्योंकि इससे ना मंदिर का अपमान होता है और उनकी साफ सफाई में और भगवान की भक्ति में बहुत ही ज्यादा बाधा आती है। और ये वही कुंड है जहाँ से खाटू श्याम जी अपनी पूजाएं करने के लिए जल लेके जाते थे। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही था। हम जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो का क्वालिटी इसलिए थोड़ा खराब है क्योंकि बारिश के मौसम में हम लोग शूट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जैसे हमने आपको भी दिखाया कि यहाँ पर कैसे खाटू श्याम की यहाँ पे प्रसिद्धि है, ठीक है। और यहाँ पर मंदिर के अंदर आपने कितना देखा कि यहाँ से मतलब बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और कितना लोग भीड़ इतना है, ठीक है। क्योंकि एक भीड़ का रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है कि लोगों की आस्था होती है, ठीक है। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ आस्तिक होते हैं। तो यहाँ देखो आप कितनी आस्था है लोगों की, कितनी भीड़ है, मतलब यहाँ आकर लोग कितना सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं ना, सबकी मन्नत पूरी हो रही है। और आपको ऐसे ही किसी और धार्मिक स्थल को देखना है तो आप भी कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, और चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय जरूर बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा देखने को मिला, ठीक है। और अच्छा वीडियो लगने से आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। जय राम जी।